मैंने गुंडागर्दी में बहुत नाम कमाया, अभी दुश्मनों को फाड़ा, कभी काटा, दिखने में तो तू नाटा और तुहार नाम है लंबू आटा। एक कफन चोर नेता, मेरे नाम की कव्वाली गाना छोड़, काम की बात बता। जिस काम के लिए तू बिल्ली का दूध पीकर दिल्ली से आया है। अरे भैया, हम तुहार को 50 लाख की सुपारी वो बच्चू बगोना की देने आए हैं। अरे वो तो तेरा खासम खास था, तेरी बीवी उसके पास और उसकी बीवी तेरे पास सोती थी, फिर भी दोनों में कोई लफड़ा नहीं होता था। अरे बड़ा लफड़ा हो गया है, उसने हमारी सुपारी बुल्ला को दी है। बुल्ला? बुल्ला का नाम लेकर तूने मेरी खोपड़ी हिला दिया है, खड़ा कर दिया है मेरा, गुस्से से एक एक बाल खड़ा कर दिया। साले को मैंने दूध पिला पिला कर पाला, लेकिन आज वो मेरी छाती चबाना चाहता है, मेरी छाती। क्या? पहले तो तुम दोनों एक ही छोकरी के साथ सोते थे, तू इधर से वो उधर से चुम्मा लेते थे, अब दोनों में लफड़ा हो गया? क्योंकि आज गुंडागिरी और नेतागिरी दोनों एक ही बाप की दो हरामी औलाद है। वाह, खोटे सिक्के ने क्या बात बोली है। बोली है तो ऐसी बोली है जैसे बंदूक की गोली है। पंचोर नेता, बात जरा ध्यान से सुन, इस बार सुपारी का सौदा नोटों से नहीं लाशों से होएगा। मैं बच्चू भिगोना से पहले बुल्ला और उसकी गैंग की लाशें बिछा दूंगा। हुकूमत तेरी पार्टी की है, तू होम मिनिस्टर है, पुलिस बीच में नहीं आना मांगता है, उसको तू रोकेगा। बोल, सौदा मंजूर है? मंजूर है। अब बुल्ला देख, तेरा आदमी मेरे नाम की दुहाई देते हुए तेरे पास आएगा और चिल्लाएगा, बुल्ला 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 चाकू मार दिया। वो बोला बुल्ला को और उसके भाई चुटिया को भी चाकू मारेगा, उसके पार्टनर पोते को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। बुल्ला, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूं खुल्ला। मेरा नाम है चुटिया, अच्छो अच्छो की खड़ी करता हूं मैं खटिया। बुल्ली, कहाँ है तेरी उंगली? बुल्ला भाई, अब होगा हल्ला गुल्ला, पुलिस और हुकूमत करेगी हाय गुल्ला हाय गुल्ला, सब बोलेंगे हाय चुटिया हाय बुल्ला। अरे ढूंढो ढूंढो, कहाँ है चुटिया, पकड़ो पकड़ो, कहाँ है बुल्ला। मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। जल जला जाग उठा है, अब सबको पता चलेगा कि गैंगवॉर स्टार्ट होने वाला है। लाशें इस तरह से टपकेगी जैसे नन्ने मुन्ने बच्चे की नुन्नी से पिसाब टपकता है, टप टप। ओए माँ, नुन्नी। मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला? हाँ। चाप,
लंबू आटा ने अपुन के आदमी को मार के रुमाल फाड़ा है, अपुन उसका पतलून फाड़ेगा, वो भी पीछे से अंगूठा लगा के। भैया ये जरा देना, इसको देखो, मैं भी इसको पीछे से मारूंगा। हाँ। अरे वो नन्ने मुन्ने, मरे हुए को क्यों मार रहा है? असली मर्द है तो उसको मार जिसने इसको मारा है। खोचूर रहा, ऐसे मरे हुए को मार मार के एक दिन मैं मर्द बनूंगा। हाँ। वो भी पीछे अंगूठा लगा के। भैया भैया ये दोनों कुत्ता मुझे छेड़ रहे हैं। तू निराश मत हो मेरे भाई, तू भी एक दिन मर्द बनेगा और हमारी तरह सुपारी लेगा, मगर पहले उस लंबू आटा को मौत के तवे पर पकाना होगा। चल एक छोट छोट। बुल्ला ये लंबू आटे का भाई, इसे ले आया अपुन। ए तुम लोगों को मालूम नहीं क्या, अपुन लंबू आटा का छोटा भाई कुंदन है। अबे शाने, अगर तू लंबू आटे का भाई है ना तो अपुन भी कुछ कम नहीं समझा। अरे बुल्ला भाई मारो इसको और इसका गरम गरम खून अपने छोटे भाई चुटिया को पिला दो ताकि इसके अंदर गर्मी आ जाए और शायद इसकी कमर झटके खाना छोड़ के झटके मारने लगे। मेरा नाम है बुल्ला और मैं रखता हूँ खुल्ला। जिस तरह मरने से पहले मेरा आदमी भागता हुआ मेरे पास आया था, अब वैसे ही तू अपने भाई के पास जा। देख 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 गुल्ला, मेरे को मारना नहीं है। मेरा नाम है बुल्ला, मैं रखता हूँ हमेशा खुल्ला। कुंदन, कुंदन मेरा भाई, कुंदन। अरे ये सब क्या हुआ, क्या हुआ ये सब? अरे हाँ हाँ हाँ, उसने। अरे लेकिन किसने किया? अरे भाई मरना नहीं, मरना नहीं। कुंदन 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 मेरा भाई, तेरे को किसने मारा? मेरे को बुल्ला ने मारा भाई, बुल्ला। मैं मर रहा हूं। देख कुंदन मरने का नहीं, मेरे पूछे मरने का नहीं। अगर तू मर गया तो मैं मजा किसके साथ करेगा? याद है, याद है तेरे को जब हम दोनों को लेते, तू मेरे से ज्यादा चिकना था रे, तू मेरे से ज्यादा चिकना था। तू छोकरी पटाके लाता था और मैं मजे करता था। बनना नहीं, मैं बुल्ला को जीने नहीं दूंगा और तेरे को मरने नहीं दूंगा। तू मरना नहीं, मेरा भाई है तू मरना। अरे दम निकल रहा भाई। अरे नहीं, दम को पकड़ के रहा मेरे भाई, दम को पकड़ के रहा। याद है मेरा भाई कुंदन, वो धंधे वाली तेरे को याद है जो तेरे को बोलती थी, मेरे प्यारे चिकने कुंदन, लगाऊंगी तेरे को चंदन, पैरों के झूले में झूला के तेरे को पहुंचाऊंगी इस जहाज में लंदन, तेरे को याद है? ए ए कुंदन, अरे मर गया रे कुंदन, अरे अरे मेरा कुंदन मर गया रे बुल्ला, ए बुल्ला तेरी बहन का करूंगा मैं खुल्लम खुल्ला। अरे मेरा भाई मर गया रे भाई। अरे माँ कसम, मैं तो समझा था कि बुल्ला की बहन कोई भंगार की दुकान होगी, सारा सामान टूट फूट चुका होगा, इसीलिए तो हथगाड़ी लाया था। लेकिन हाय हाय, फेस सोनाली, टांगे रवीना और आंखें करिश्मा। छोड़ दे मेरा हाथ, बना मेरा भाई बुल्ला तेरा हाथ काट देगा। कल बुल्ला अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। मेरा नाम है लंबू आटा, साले को देऊंगा मौत का चाटा। लंबू आटे में कहती हूँ छोड़ दे मुझे। अरे तूने कांति शाह की पिक्चर लोहा नहीं देखी? उसमें एक डायलॉग है, छतरी होती है खोलने के लिए, चादर होती है ओढ़ने के लिए, और छोकरी होती है छेड़ने के लिए। छोड़ दे मुझे।
बुल्ला भाई, बुल्ला भाई, बुल्ला भाई, ये पहनो और चलो। क्या हुआ? अरे उधर बस्ती में लंबू आटा ने आपकी बहन को लंबा कर दिया है। क्या बकवास करता तू? चुड़ैल की कसम। मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी मेरी बहन, मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी मेरी बहन, मुन्नी, तो तू मर गई? लंबू ने तुझे लंबा कर दिया, माचिस की तीली को खंबा कर दिया। अरे मेरे दिल में क्या क्या अरमान थे तेरे लिए, मैंने तो तेरे लिए 300 छोकरे देखे थे, वो भी एकदम चिकने, जो तुझे भाता वही तेरा पति बनता है, मगर तू तो कटेला गुर्दा यानी कि मुर्दा हो गई। आएंगे मुन्नी, तू देखना, तेरी चिता के शोले उसे मेरे पास जरूर लाएंगे, और तुझे जलाने के बाद हम लंबू को जलाएंगे। जल गया है बदन तेरी बहन का, कर बंदोबस्त अब लंबू आटा के कफन का। उसने मेरी बहन को हाथ गाड़ी पर लिटा लिटा कर मारा है, अबुल्ला उसे जमीन पर गिरा गिरा कर मारेगा। लंबू आटा, अपने भाई का घाटा पूरा करने के लिए तूने मेरी बहन को मार डाला, ठीक किया। काला धंधा करने वालों की मां बहन बेटी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, मगर तूने मेरी बहन का रेप करके बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। अरे तो कौन सा बुरा किया, रोटी होती है खाने के लिए और बोटी होती है चबाने के लिए। बादशाह की बहनों या फकीर की बेटी एक ना एक दिन आती है मरद के नीचे बजाने के लिए सीटी। ये मत भूल लंबू कि चूहा जख्मी हाथी के दुम पर बैठकर पंजा तो चला सकता है, मगर हाथी जब उल्टा सांस लेता है ना तो चूहा अंदर घुस जाता है। हाँ, और हम तुझे किसी धंधे वाले की उस जगह की ऐसी गोरी चमड़ी बना देंगे जो फटके खा खा कर काली हो जाती है, हर मुंह पर माँ बहन की गाली हो जाती है। तूने मुझे नाखून का मैल कहा था ना, अब हम तुझे सांडे का तेल लगा कर मारेंगे। अपनी बहन की मौत का इंतकाम लूंगा। बुल्ला मेरे को मत मार, मत मार, मेरे को अपना भड़वा बना ले, मैं तेरे को लड़कियां सप्लाई करूंगा, तू मजे लेते रहना। तेरे को एड्स से बचाने के लिए निरोध बन जाऊंगा, टॉवल बनकर तेरी कमर से लपट जाऊंगा, मेरे को मत मार, और अगर मारना ही है तो मेरे को छील छाल के मेरे छक्का बना दे, मैं साड़ी लपट कर डांस करूंगा, गोरे गोरे गाल गाल, गोरे 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 गोरे, ना मुझ पर ऐसे डाल डाल, डोरे 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 डोरे। बहुत हो गया डांस। बुल्ला, तूने खुल्लम खुल्ला लंबू आटे को मौत के तवे में सेक दिया, उसकी लाश को वर्ली के गटर में फेंक दिया, लेकिन दिल्ली से आने वाले जिस नेता की हत्या की सुपारी मैंने तुझे दी थी उसे तूने नहीं मारा, उसे तूने क्यों नहीं मारा? ए नेता बच्चू भाई, चिल्लाएगा तो लंबू आटा से मिलने तू भी ऊपर जाएगा, समझा? अरे उससे पहले मैं तुम्हारे पीछे पुलिस लगाऊंगा, सबको अंदर करा दूंगा। पुलिस क्या कर लेगी हमारा है? हमें ढूंढने के लिए जगह जगह छापा मारेगी ना, मगर उसके हाथ में लगेगा क्या, सिर्फ भुट्टा। भैया भैया प्लीज एक मिनट, ये जो काला गेंडा है ना, इसके साथ झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि हमारे और कानून के बीच में ये एक सफेद चादर है, इसके साथ अगर हम झगड़ा करेंगे ना फिर कपड़े धुलेंगे भारतीय अड्डों पर, प्लीज। तुझे दिल्ली वाले नेता की लाश चाहिए ना, और नहीं तो क्या? आहिस्ता, सुबह मिर्ची का अचार खाया था क्या? हाँ बोलो। तो जा, मेरा आदमी काला शेट्टी ये काम बजाएगा, जब वो नेता आज विधानसभा जाएगा।
हट हट पीछे हट। बोले बे तू, मैं हूं जुर्म से नफरत करने वाला, शरीफों के लिए ज्योति, गुंडों के लिए ज्वाला। तुझे बनाकर मौत के मुंह का निवाला, तेरे सीने में गाड़ दूंगा मैं मौत का भाला। देख लूंगा मैं साला तेरे को। यह अदालत ताजिराते हिंद की दफा 302 के तहत काला शेट्टी को उम्र कैद की सजा सुनाती है। हो गई तेरे को सजा, पर तू घबराना मत, मैं तेरा केस सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। और हां, जेल में तेरे लिए दारू नकी, खाने पीने के लिए चिकन मटन नकी, और देखने के लिए टीवी नकी, महीने में एक बार लड़की भी नकी। वो सब ठीक है, मगर उस कुली का क्या होगा जिसने मेरे को अंदर करवाया? उसका भी होगा, उसके मरने की डेट भी मैं फिक्स जल्दी करूंगा। तुमने बुल्ला के साथी काला शेट्टी को पकड़वा कर एक जबरदस्त कारनामा अंजाम दिया है, तुम्हें तो पुलिस में होना चाहिए था। वर्दी नहीं हुई तो क्या हुआ साहब, काम तो मैंने पुलिस का ही किया है ना। किसी ने सच कहा है कि बाप पे पुत, पिता पे घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। लेकिन बुल्ला एक खतरनाक गुंडा है, वो तुम्हारा सामना जरूर करेगा। अब तो आमना सामना होकर ही रहेगा, देखते हैं कौन कितने पानी में है। अबे कौन है बे तू? मैं गरीबों के लिए हीरो हूं और तुम जैसे लोगों के लिए विलन। नाम है मेरा शंकर, हूं मैं गुंडा नंबर वन। हम यहां के दादा है शंकर, ज्यादा बड़बड़ करके अपनी जिंदगी में मौत की गड़बड़ मत कर, वरना ये 9 इंची हाथ उठ गया ना तो दुनिया का साथ छूट जाएगा। ये दादा, ज्यादा आंखें दिखाएगा तो तेरी आंखें निकालकर तेरी दादागिरी हमेशा के लिए भुला दूंगा। जब कुत्ते का पिल्ला खुद को शेर समझकर दहाड़ने लगता है ना, तो ये बुल्ला उसका नल्ला तोड़कर उसके हल्क में घुसेड़ देता है। बुल्ला, मैं तेरी नाक में वो छल्ला पहनाऊंगा जो कोठे पर कुंवारी लड़कियों को पहनाया जाता है, जिसे कहते हैं नथ। और जब कोई बेवड़ा तेरी नथ उतारेगा ना, तो मौत की रथ पे बैठकर सीधा ऊपर चला जाएगा। भैया भैया मारो इसको, ये जो आदमी है ना मेरे को बहुत डेंजर दिखता है। ये आपका सड़ा हुआ टाइगर नहीं है, ये तो मेरे को बंगाल का टाइगर दिखता है, जो अपने दुश्मन के ऐसे चिथड़े करता है कि उसके सीने के लिए किसी को ट्रेलर भी नहीं मिलता। मारो ना, मारो ना, मारो। नहीं, जिस तरह से हमने लंबू आटा की मौत फिक्स की थी, उसी तरह से इसकी भी डेट फिक्स करेंगे। चलो चलो। नमस्ते बाबूजी। अरे आ गए बेटे, बहुत थक गया। गीता एक गिलास पानी लेकर आ। बेटे गीता तो गंगा से मिलने गई है। गंगा से मिलने? ए गीता, अपने भैया से कहना कि वो मुझसे शादी करे। मैं तो शंकर भैया से कह दूंगी कि गंगा से शादी कर ले। गंगा कुछ होने वाला नहीं,
क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जब तक तेरे प्यार का नशा भैया को नचाएगा नहीं, तब तक उनका दिल तुझ पर आएगा नहीं, और ना वो तुझसे शादी करेंगे। नशा? आज शंकर को ये फैसला करना ही पड़ेगा कि उसे शराब का नशा पसंद है या वो नशा जो मेरी आंखों में बंद है। नशा नशा होकर, अरे मेरी नकल उतर रहा है क्या? पागल हो गया क्या तू? अरे पिताजी घर पे आए क्या दोस्त? नहीं है, वेरी गुड। अभी तो मैं अबे साला मरवाएगा क्या? चल फुट फुट यहां से। पागल क्या बता देता मुझको यार, आज टिंगू ने तो मुझे मरवा ही दिया था। अच्छा भैया, आज फिर पीकर आ गए? जरूर उस गंगा ने पिलाया होगा और प्यार से कहागा मुझसे शादी कर लो। बैठ बहना बैठ, तूने ठीक कहा है। जब भी मिलती है एक ही गाना गाती रहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। भैया गंगा बहुत अच्छी है, तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे कैसी बातें कर रही है, जब तक तेरी शादी नहीं होती मैं अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर वही मेरी शादी की बात, कर दो मेरी शादी, भगा दो मुझे घर से। अरे मेरी बहना नालाज हो गई। भैया तुम थक गए होंगे, ला तुम्हारे पैर। अरे नहीं नहीं, तूने बहुत मेरी सेवा की, अब आराम कर। वो क्यों? वो इसलिए
कि तू जिस घर में जाएगी तुझे घर भर की सेवा करनी पड़ेगी। ये सोचता हूं जो लड़का तुझे मिलेगा न जाने वो कैसा होगा। ये है वो लड़का जो हसीनाओं के दिल की दाल में मस्के का लगाता है तड़का, देख क्या भोला भाला है। अरे चले एक काम करना, तू मेरे साथ अंदर चलना, मुझे प्राइवेट बात करनी है तेरे साथ। अरे पन ये तेरे किसी काम करनी है चुटिया, ये तो खाली कमसीन हसीनाओं को पटाता है, उनसे शादी करता है पर उनके साथ सुहागरात नहीं मनाता है, मेरे को ला कर देता है। तेरे को मालूम है ना मैं क्या करता हूँ। ए लकी चिकने इसको बोलना ऐसी लड़की पटाए जैसी तुमने भैया को दी थी ना, क्या नाम था उसका, हाँ हसीना, जिसका मेरा भैया डे नाइट निकालता है पसीना। बुल्ला मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ऐ हसीना इस बच्चे को गिरा डाल, अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। मुझे चाहिए ना, मेरा भी कुछ करना। वाह बुल्ला भाई वाह, निकाल दिया हसीना का पसीना। क्या कुश्ती लड़ते हैं आप, मुझे भी कुश्ती लड़नी है। लड़ लेना कुश्ती से मुझे याद आया बुल्ला भाई कि आज बोर्ड पे बॉक्सिंग का मुकाबला है। मजा आता है जब इंसान पैसों के लिए कुत्तों की तरह लड़ता है तो मुझे बहुत मजा आता है। क्या हो रहा है यहाँ? हर साल की तरह बुल्ला भाई आज भी मुकाबला करा रहा है। एक नया खेल शुरू करते हैं। पहले हम सिर्फ जीतने वाले को इनाम देते थे मगर आज से हम मरने वाले को भी इनाम देंगे। जीतने वाले का इनाम होगा 1,00,000 और मरने वाले का इनाम होगा 50,000। है कोई जो इस काले पहाड़ को लुढ़का सके? है कोई मर्द का बच्चा जो इस शेर से पंजा लड़ा सके? अरे मत भूलना अक्का, 1,00,000 रुपया मिलेगा, मत भूलना। अगर 1,00,000 रुपया मुझे मिल जाए तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं लड़ूंगा। रुक जाओ बाबा, पैसों के लिए तुम अपनी जान मत गवाओ। मैं वादा करता हूं तुम जिंदा भी रहोगे और तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। मैं हूं Oh!
कितना स्ट्रॉन्ग भैया, ही सो टफ ही है, सो स्ट्रॉन्ग। भगवान करे मेरे भैया के हाथों में हमेशा इतनी ताकत रहे कि वो हमेशा हर जुम का मुंह तोड़ जवाब दे सके। समझ गया, चल चल मिठाई खिला। और ये रहा मेरा आशीर्वाद, ये ले लो भाई, ये भी आ गए, लगता है इसे भी राखी बंधवानी है। तो भाई साहब आपके पास ठना ठना है क्या? पैसा है? अरे वाह, तू तो बड़ा मालदार हो गया है, चल तुझे भी राखी बांधते। जमाना ही पलट गया। ए, ये क्या कर रही है? अरे रक्षा बंधन तो हो गया, अब प्यार के बंधन में बन जाओ ना। ए, बदतमीज कहेंगी, घर में जवान बहन है, इस तरह से बेआबरू होते हुए शर्म नहीं आई? अरे मैंने कब कहा कि आज ही शादी कर लो, एक बार बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये जो मेरी आंखें हैं ना, ये जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करेंगी। भैया भैया, जो आपने मुझे गोली खिलाई है ना, वो पेट के अंदर जाकर आग की होली खेल रही है, तूफान मचा हुआ तूफान। भैया ये तूफान बाहर कब निकलेगा? अरे चिटिया, ये तूफान बहुत जल्द बाहर निकलेगा, बस अभी गुलशन आता होगा गीता को लेकर, फिर तू उसे कांटों में घसीट घसीट कर मारना। वो देख आ गया गुलशन। गुलशन ये तू मुझे कहाँ ले आया? जहाँ तुझे जाना है जा, चुटिया की बाहों में जा। भैया पहली बार का मामला है ना, आप जाओ ना, मुझे शर्म आती है। छोड़ूंगा तेरे को रानी, मैंने विटामिन सेक्स सेक्स खाया है, विटामिन सेक्स। अरे खोल रहा है, मजा आ रहा है। अरे ये तो मर गई, ओए माँ अब क्या करूं, इसकी लाश को जंगल में फेंक आता हूं। उसकी बहन की इज्जत लूटी है, इज्जत लूटना बुरी बात है क्या? मैं देखता हूँ। भैया वो आ रहा है, वो आ गया भैया, रुको। छोड़ मुझे, इसने मेरी बहन को मारा है। कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। अच्छा तो तू ही वो दीवार है जिसकी आड़ में ये लोग कोहरा मचा रहे हैं। तेरी बहन तो मर चुकी, अब तू क्या चाहता है, तेरा बाप अकेला रह जाए, रिटायर्ड होने के बाद सड़कों पर भीख मांगता फिरे? अरे तेरी ने कम से कम उसकी हालत पर तो रहम कर, एक गरीब बेचारा ईमानदार हवालदार, उसकी हालत देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी आंसू बनकर अपने आंखों से टपक पड़ूं। इस बक्कारी भरी हमदर्दी की वजह जान सकता हूँ? ये हमदर्दी इसलिए है कि हम तुझे खिलौना समझते हैं, और तुझे जलता भुनता देखकर हम इस तरह खुश होते हैं
जिस तरह कुछ शैतानी टाइप के बच्चे अपनी गुड़िया के हाथ पैर तोड़कर ताली मारते हैं। अगर तू मर गया ना तो हम किसको देखकर कह कह लगाएंगे और फिर किसके आंसुओं से दिवाली के दीपक जलाएंगे। इसलिए तुम्हारे मरने का डेट अभी तक फिक्स नहीं किया है हमने। हाँ, और शंकर तू हम लोगों के लिए वो कॉमेडी फिल्म है जिसका एंड बहुत ट्रेजिक है। और अब घर जाके राम राम कर, वरना हम इतिहास बदल देंगे। कल राम ने रावण को मारा था, आज हम सभी रावण मिलकर तुझे मार डालेंगे। अरे इतिहास बदलने वाले का नाम कभी इतिहास में नहीं होता है, क्योंकि इतिहास पत्थर की लकीर होती है। उसे मिटाने वाला ऐसे मिट जाता है जैसे वो कभी पैदा ही नहीं हुआ हो। और हाँ, जिस तरह ट्रेन के आने पर स्टेशन कांपने लगता है ना, उसी तरह मेरे खौफ का बुखार तुम सबको कांपने पर मजबूर कर देगा। ये मेरा वादा है और उस धुएं की कसम है जो मेरी बहन की चिता से निकलने वाला है। बहना को दुल्हन बना के एक भाई ने विदा किया, जालिम वक्त ने आज उसे ही मरने पर मजबूर किया। इतनी जल्दी एक भाई से बहन का आंचल छूट गया, चिता जला कर चिता जला कर अपनी बहन की भाई का जानता हूं बेटा, तेरे दिल में इंतकाम की आग भड़क रही है, मगर मैं तेरे हाथ छोड़ता हूं बेटा, जो कुछ हुआ भूल जाओ उसे। पिताजी, उन लोगों ने मेरी रेशम जैसी बहन को कांटों में घसीट घसीट कर मारा है, मैं भी उन लोगों को इस बेदर्दी से काटूंगा कि मरने के बाद भी उनकी बोटियां दर्द से तड़पती रहेंगी। नहीं बेटे, वो लोग बहुत खतरनाक हैं, गाजर मूली की तरह काट कर रख देते हैं। लंबू आटा बहुत बड़ा गुंडा था, लेकिन बुल्ला ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। वो लोग जुल्म का वो नरक है जिसके सामने तू सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी है बेटा। चिंगारी ने ही नरक को जन्म दिया है पिताजी। अब आप देखना, मैं उन लोगों की गुंडागिरी को मौत की वो वर्दी पहनाऊंगा जिसे कफन कहते। कफन भैया, शंकर के सीने में तो आग लगी हुई है, हमने गीता को तो मौत का कफन पहना दिया, लेकिन अगर शंकर ने कुछ किया तो क्या होगा? उसका बाप तो पुलिस में है, पुलिस में। अरे उसका बाप तो मामूली सा हवलदार है चुटिया, और एक मामूली से आदमी की बात कौन सुनेगा? इंस्पेक्टर साहब। क्या बात है राम सिंह?
आपको पता है मेरी बेटी का खून हो गया है इंस्पेक्टर साहब। आप ये भी जानते हैं कि वो खून किसने किया है। आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते साहब, क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है जिसके बल पर मैं उसे अरेस्ट कर सकूं? इंस्पेक्टर साहब, बेगुनाहों के खिलाफ सबूत पैदा कर लेते हो और गुनहगारों के लिए सबूत मांगते हो। लगता है बुल्ला का थूक चाटा है तुमने, पेशाब भी उसका है। मार ले, मार ले, जी चाहे मार ले, लेकिन बता देता हूं तेरी ये बड़वागिरी चलेगी नहीं इंस्पेक्टर। कानून की वर्दी पहनकर गुंडागर्दी की पहरेदारी करता है तू, बुरा अंजाम होगा इसका। चला जा, तू मरता मर जाएगा मगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बुल्ला भाई का हाथ है मेरे सर पे। अगर उसका एक हाथ तेरे सर पर है तो रख दे उसका दूसरा हाथ अपनी बेटी की कमर पर, सुला दे अपनी बहन को उसके बिस्तर पर। तूने मेरी बेटी और बहन को गाली दी है, अगर तूने अपनी मरी हुई बेटी को जलाया नहीं होता तो मैं उस मरी हुई छोकरी को भी नहीं छोड़ता। एक बात समझ ले, मैंने बहुत रोका है अपने बेटे शंकर को, बहुत रोका है, अब नहीं रोकूंगा, नहीं रोकूंगा उसे। मरेगा तू भी, मरेगा और बुल्ला भी मरेगा, सब मरोगे, सब मरोगे तुम। मैं तो जब मरूंगा मरूंगा, लेकिन आज तू जरूर मरेगा। इंस्पेक्टर, ये तूने बहुत अच्छा किया जो शंकर के बाप को लंबा कर दिया। बाप के मरने की खबर सुनके उसके सीने में अंगारे भर गए होंगे और पिताजी पिताजी कहते हुए वो अपने बाप के लाश की तरफ भाग रहा होगा। पिताजी, ए शंकर, ये तेरे कंधे पे कौन है रे? ये मेरा बाप है जो तुम लोगों की साजिश का शिकार हुआ। हम जानवरों का नहीं इंसानों का शिकार करते हैं। हाँ हाँ, ये कानूनी जानवर है, इसने कानून की बहुत सेवा की और इनाम में से ये मिला कि खुद कानून ने इसे मार डाला। भाषण देना हो तो चौराहे पे जाकर पब्लिक के सामने देना, आग कफन के लिए कुछ चंदा चाहिए तो हमसे लेके जाना। मैं चंदा मांगने नहीं, तुम लोगों को चेतावनी देने आया हूं और बाप की लाश इसलिए साथ लाया हूं ताकि आज की मुलाकात एक यादगार रहे। आज का दिन
तुम लोग कभी भुला ना सको। वो किस लिए? वो इसलिए कि आज तक तुम लोग लोगों की मौत की डेट फिक्स करते रहे, आज मैंने तुम लोगों की मौत की डेट फिक्स कर दी है। याद रखना, आज एक तारीख है, 2, 4, 6, 8, 10, बस इंतजार करना। कदम पर जुर्म है, हर कदम पर पाप। पाप करने में ये इंसान शैतान के भी बाप। अरे ये बच्चा किसका है? कोई इसे सड़क पर छोड़कर चला गया था, मैंने इसे अपना लिया है। अब तुम इसे माँ और मैं इसे बाप बनकर पालूंगा। भगवान भी कितना दयालु है, किसी भी बहाने दे देता है। देखो ना, हमने शादी भी नहीं की, फिर भी भगवान ने हमारी गोद भर दी। अलेले, हम इसका नाम गीता रखेंगे। अगर तुम मर गया ना तो हम किसको देखकर कहका लगाएंगे? इस आग को ठंडा मत होने देना शंकर। कुछ दिनों से जो लावा तुम्हारे दिल में खौल रहा है, उसको अपने खून से जलाकर दहकाते रहना। जिस तरह से चुटिया ने तुम्हारी बहन की इज्जत लूटी है ना, उसी तरह तुम भी उस चुटिया की नफरत को अपने सीने में जला कर रखना और उसे अपनी नफरत की आग में जला कर रख देना और उसकी राख को मिट्टी में मिला देना। फिर देखना उस चुटिया का अंजाम। चुटिया यार, मैंने सुना है कि तूने शंकर की बहन को कांटों में घसीट घसीट के खूब मारा है। अब मैं क्या बताऊं, भैया ने जो मुझे गोली दी थी ना, उससे मैंने उसकी चीखें निकाल दी। तो मेरे लिए भी किसी लड़की का बंदोबस्त करना। हाँ, वो जो गुलशन है ना, जिसने मुझे लड़की दी थी, उसने अभी दोबारा फिर से शादी कर ली है। क्या लड़की है। मैं एक काम करता हूँ ना, वो लड़की तेरे पास भिजवा देता हूँ। तो गुलशन मेरे लिए लड़की लाएगा ना? तो क्यों चिंता करता है, मजा ले, मजा लेता रहो, रैश कर, समझता क्यों नहीं है तू? ये लो गोली। मुझे नहीं, उधर जाओ, लड़की के पास जाओ।
ये कैसे हुआ? कमला की माँ ने आत्महत्या कर ली। क्यों? उसने अपनी लड़की की शादी एक लड़के के साथ की। सुना है वो दलाल है, वो मासूम लड़कियों से शादी करके उन्हें रंडियों के कोठे पर बेच देता है। क्या नाम है उसका? उसका नाम गुलशन है। ये रहा उसका फोटो। सुना है वो लड़कियों का दलाल लक्की चिकने का दोस्त है। लक्की चिकना? अरे ओ रंडियो, ओ धंधे वालियों, और इन धंधे वालियों की भाड़ खाने वाले बड़ो, सुनो लक्की चिकना क्या बोलता है और देखो लक्की चिकना क्या करता है। एक चुनाव इधर आ, तेरी कंप्लेन है। मुंह क्या देख रहे लिए? इधर क्यों रे पाप की पानी की मछली, फिर तेरी शुरू हो गई खुजली। क्या बात है लक्की चिकना? ऊपर गिराक तेरा रास्ता देख रहा है और तू ये चिकने के साथ नीचे लिप्टम जिप्टी चिपकम चिपकी लगाई है। अरे वो साला 60 साल का बुढ़ा है, कुछ करता नहीं है, खाली बोलेगा चूस चूस मेरी उंगली चूस। देख रंडे, धंधे में बैठे तो बुढ़ा क्या जवान क्या, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या बैठा क्या खड़ा। जाके उधर बुढ़े को ठंडा करके आ, कंप्लेन चाहिए ना यार। मैं नहीं जाऊंगा। छिनाल मार मार के तेरी चमड़ी बना दूंगा दो दमड़ी की। सीधे धंधे पे जा, चल। ए निसार, मलाई मार के चाय भेज। ए, तू किस पे हाथ उठाए तेरे को मालूम नहीं है? बता गुलशन कहाँ है? माँ कसम मेरे को नहीं मालूम, मैं मारना नहीं मारूंगा। माओ की भाड़ खाने वाले भड़वे, बता गुलशन कहाँ है? अरे मारने का ये तो अकेले में बुला के सुम कुंडी में मारने का था ना, ये सब रंडियों के सामने मेरी इज्जत का बावटा गाड़ दिया। मैं तेरे छोड़ूंगा दे, मैं बहुत डेंजर आदमी हूँ। तूने मेरी बहन की जिंदगी तो बर्बाद कर दी, लेकिन अब मैं किसी और की बहन बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। बता कमला कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता कमला कहाँ है? कमला इब होटेला के पास है। इब होटेला? देखो मैंने तो कपड़े उतार दिए, अब तुम भी उतारो। क्यों? अरे गुलशन ने तुम्हें बताया नहीं क्या करना है? छोड़ दो। आओ, सुनो, छोड़ दो। आओ ना। अरे चली गई। अरे किधर हो? अरे किधर है? अरे किधर है तू? किधर है शंकर? तू? हाँ शंकर, तेरी मौत। शंकर आप उनसे नहीं नन्ना क्या? मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप शैतान का चेला, खाएगा केला। आज के बाद कोई तुझे इबू हटेला नहीं, इबू कटेला कहेगा। क्या? बचाओ।
नहीं नहीं बचा, नहीं 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 अब छोड़ दे। शंकर, अरे शंकर, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा रे, जो तू मुझे जान से मार रहा है। मेरी बहन की मौत का मजाक उड़ाया था ना, उस फिल्म का ट्रेलर बोला था जिसका एंड ट्रेजेडी होता है। अब देख तेरे साथ कितनी भयानक ट्रेजेडी हो रही है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं शंकर बोल रहा हूँ, बुल्ला को फोन दे। बुल्ला भाई फोन पर नहीं आ सकते, वो हिजड़ों के साथ डिस्को डांस कर रहे हैं। उसको बोल हिजड़ों के साथ नाचना छोड़कर मर्द से बात करें। भैया शंकर का टेलीफोन है, कह रहा कि मर्द के साथ बात करो। हाँ शंकर बोल, आज मैं चुटिया के मर्द बनने की खुशी में जश्न मना रहा हूँ। जश्न नहीं मातम मना, क्योंकि मैंने गुंडागिरी का पहला खम्मा उखाड़ कर फेंक दिया है, जिसका नाम है इबू हाटेला। क्या हुआ? बड़ा कर रहा शंकर, इबू हाटेला को मारकर तू समझता है तू सबसे बड़ा दादा बन गया है? दादा बाप के बाप को कहते हैं, और मैं हूं तुम सबका बाप। ऐसा बाप जो हरामी औलादों को मारने के लिए दी हुई तारीखों का इंतजार करता है। उन तारीखों के आने से पहले मैं तुम्हारी जिंदगी का कैलेंडर फाड़ दूंगा। तेरी तारीखें आएंगी, मगर तेरे मरने के बाद। बुल्ला ये क्रेन देख रहा है, इसकी हालत वही है जो तेरी है। जब इसकी चेन टूट जाती है ना, तो ये बेकार हो जाती है, और बेकार चीजें भंगार में फेंक दी जाती हैं। मैं क्रेन नहीं हूं शंकर, जहाज हूं, जहाज जो समंदर का भी सीना फाड़ देता है। हमारे सामने तुम्हारी वही औकात है जो कैंची के सामने कपड़े की होती है। कपड़ा, यही कपड़ा आखिर में सबसे ज्यादा लफड़ा करता है। जब यह कपड़ा कफन बनकर किसी को लिपट जाता है ना, तब उसे दफन होना ही पड़ता है। क्या बात है शंकर, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? जंग छिड़ चुकी है गंगा, मैंने लाशें गिराना शुरू कर दी है। क्या जंग वाले प्यार नहीं करते? नफरत की आग में जलकर मैं प्यार करना भूल बैठा हूं। आदत डालो, मेरे बिना जीने की आदत डालो। Thank you.
बन के हम सफर जहाँ कभी वो डगर भी आएगी। वादा करके तोड़ना ना, क्यों तोड़ूंगा जाने जा, ताकि मुझे तुम छोड़ना ना, क्यों छोड़ूंगा जाने जा। वादा वो क्या जा निभाया न जाए, तुम बिन जीना रास ना आए, मुझे जरा सनम मजबूरियों की राहों से फिर जीवन की राह पे संग संग चलना है हमें, एक दूजे का आसरा अब तो बनना है हमें। ओ मोहब्बत का ये रंग चढ़ता ही जाए, तुम बिन जीना रास ना आए, तुम बिन जीना रास ना आए, रोएंगे तुम जो पास ना आए। यूं ही तेरा ये मन घबराए, यूं ही तेरा ये मन घबराए, तेरे लिए तो दुनिया में आए, तुम बिन जीना रास ना आए, ओ तुम बिन जीना रास ना आए। क्यों बच्चू भाई, पहले तो हफ्ता लेने के लिए दिन में 100 फोन कर दिए और अब यहाँ टपक पड़े, जरा भी सबर नहीं? अरे मेरे को तो सबर है भाई, लेकिन कुर्सी को नहीं ना। महीना पूरा होने से पहले हफ्ते के लिए हिलने लगती है, उस पर वजन रखना ही पड़ता है ना? ए मिस्टर वजन, 1 करोड़ रुपए हफ्ता देते हैं, फिर भी तुम्हारा ये छोटा सा पेट भरता नहीं है क्या? अरे तेरा 1 करोड़ मैं अकेले नहीं खाता, ऊपर वालों का भी पेट भरना पड़ता है। ऊपर वालों के पेट को तुम जानो, अगर आइंदा तुम मेरे घर में हफ्ता लेने के लिए आए तो मैं तुझे तेरे घर में घुस कर मारूंगा। रोड पे मिलेगा ना मैं तेरे को रोड पे मारूंगा, बेड पे मिलेगा ना मैं तेरे को बेड पे मारूंगा। अरे जा रे, ऐसी धमकी देने वाले ना जेल में एडीआर रगड़ रहे हैं, जाके देख। उनसे तो मैं बाद में निपट लूंगा, पहले मैं तुझे गोली मार दूंगा। मैं शंकर बोल रहा हूँ। हाँ शंकर, तूने इबू हटेले का खून किया है, अपने आप को कानून के हवाले कर दे। तू भी अपने आप को कानून के हवाले कर दे, क्योंकि तूने बुल्ला के हर जुर्म पर पर्दा डाला है। यही सेवा करके हम दौलत का मेवा खाते हैं और मजे उड़ाते हैं। मारूंगा, तुझे भी मारूंगा। अरे जा, तू क्या मुझे मारेगा? मेरे आगे पीछे सैकड़ों पुलिस की गाड़ियां रहती है, जिनके आगे पीछे हेलीकॉप्टर और जंगी जहाज लगी रहती है ना, वक्त आने पर वो भी मौत के पर लगाकर उड़ जाते हैं। पाटकर, इज एवरीथिंग ओके?
मंत्री जी की गाड़ी यहाँ से जा रही है एंड एवरीथिंग इज ओके। यस सर। उठ, छुप कहां रहा है मंत्री? शंकर मुझे मत मारना, मुझे देश की सेवा करनी है। अगर सचमुच तू सेवा करता तो आज तुझे ये दिन देखना नसीब ना होता। तुझे मेवा खाने का बहुत शौक है ना, देख आज वही शौक तेरे लिए जानलेवा बन गया है। शंकर तुझे तेरी बहन की कसम, मुझे मत मारना। मेरी बहन की मौत पर नकली आंसू बहाने वाले, आज तू अपनी मौत पर असली आंसू नहीं, बहा। नहीं। ये अदालत मुजरिम शंकर को मंत्री बच्चू भगोना के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाती है। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना? तूने गाना सुनाया, अब शेर सुन। भीगी हुई सिगरेट कभी जलेगी नहीं, और ये तय है कि तेरी मौत की तारीख कभी टलेगी नहीं। शंकर, तेरे बाप को मार के मैंने तेरी जड़ उखाड़ दी है, तू तो मामूली पत्ता है, जब भी चाहूंगा तोड़ के फेंक दूंगा। इंस्पेक्टर को धमकी देने वाले, तू ये मत भूल कि तेरी बहन का हमने तबला बजाया था और अब हम ढोलक बजाएंगे। ढोलक तो हिजड़े बजाते हैं, और जब मर्द बजाने पर आता है तो डंका बजाता है। याद रखना, डंके पर लगी हर चोट तुम सबकी मौत का ऐलान करती है। हेलो साहब, मैं पुलिस स्टेशन से हवलदार राम सिंह बोल रहा हूं। अरे इतनी रात गए क्यों बोल रहा है? साहब शंकर जैसे भाग गया। क्या शंकर भाग गया? ओहो शंकर, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, पुलिस तुम्हें कई बार पूछकर जा चुकी है। जानती हो गंगा,
मेरे पिताजी को किसने मारा? नहीं, इंस्पेक्टर काले ने। मैंने उसकी मौत की डेट फिक्स कर दी है, अब पुलिस मेरे घर की चक्कर लगाती रहेगी और मैं उस कुत्ते को ठिकाने लगा दूंगा। आहा, इंस्पेक्टर काले, अब लगने वाले तेरे मुंह पर मौत के ताले। कितना बड़ा रिस्क है, तेरी मौत की डेट फिक्स है। चल लेट जा, चल मर जा, मर जा लेट जा, लेट जा मर जा। अरे अगर मैं मर गया तो आप लोगों को कानून के शिकंजे से कौन बचाएगा? अरे चौकीदार के मरने से घर में चोरी नहीं शुरू हो जाती, और ना ही रुमाल के फटने से मुंह हमेशा गंदा रहता है। तू जाएगा, दूसरा मुस्टंडा आएगा। कोई नहीं आएगा, सिर्फ शंकर इस दुनिया से जाएगा। मैंने उसे मौत के मैदान में बुला लिया है। गुंडों को पुलिस की वर्दी पहना के लेके जाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि मौत क्या होती है और दुश्मन को मारा कैसे जाता है। मरेगा ये, मरेगा, मरेगा। Ugh!
तूने मेरे पिताजी को मारकर कहा था कि तूने मेरी जड़ उखाड़ दी है। मैं एक पत्ता हूं, मुझे तोड़ने में वक्त नहीं लगेगा। नहीं। देख, आज वही पत्ता तेरे लिए मौत का पहाड़ बन गया है। इंस्पेक्टर तो गुंडों की फौज लेकर शंकर को मारने गया था और खुद ही लुढ़क गया। भैया, मैं कहता हूं कि शंकर को जल्दी से जान से मार दो, नहीं तो हम दोनों की आरती को कंधा देने के लिए भी कोई नहीं मिलेगा। आज उसके चिथड़े उड़ जाएंगे जब मेरे आदमी शंकर पर मौत बनकर छा जाएंगे। देखो शंकर, ये लड़ाई जो तुम लड़ रहे हो इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तब हमारे बच्चे का क्या होगा? जिस बच्चे के माँ बाप नहीं होते उसके सर पर भगवान का हाथ होता है। हर बात भगवान पर मत छोड़ो, इसके बाप को तलाश करो, उसे बच्चा अपनाने पर मजबूर कर दो। लेकिन उसे ढूंढेंगे कैसे? आज ही सुबह मुझे शांति चाची ने कहा कि इस बच्चे को कचरे में फेंकने वाला लकी चिकना है। ए लकी चिकने। बोलो मेरी चिकनी। तेरे कहने पे मैंने धंधा किया, तू कब मुझे हीरोइन बनाएगा? अरे तू 100% हीरोइन की डुप्लीकेट बनेगी, हसीना टंटन,
जिसको मुर्दा भी देख के करने लगे टन टना टन। अभी तू दांत मत दिखा, उधर जा 18 नंबर खाट पे, तेरा इंतजार कर रहे लाए। पहले निरोध तो दे। अरे निरोध कुमार, उसको जाके मोजा दे, गरम पानी रख और बाहर जा, गेट पे कोई भी ग्राहक मिलेगा उसको हंस के मुस्कुरा के चिकनी बातें करके अंदर लेके आ, धंधा अपना चलना चाहिए। अभी तू भी जा, चल 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 धंधे पे जा, धंधे पे जा। लक्की चिकना, अभी तू बनेगा लखपति चिकना। कैसा लगा लक्की चिकना का लटकता सर्कस जाने मन? इसको बोलते हैं खटिया खड़ी करना। अब तेरे को यहाँ पे बहुत लोगों की खटिया खड़ी करना है। उस दिन कचरे की पेटी में जिस नन्ही बच्ची को फेंका था वो किसकी बच्ची है? अरे वो तो बुल्ला भाई का कारनामा था। क्या हुआ, मैं गांव से एक लड़की को नौकरी का झांसा देकर यहाँ पर लाकर धंधे पे चढ़ा दिया और बुल्ला भाई को पसंद आ गई। बुल्ला भाई की और उसकी लेती देती हो गई, उसने मटका पोगा दिया उसका और उसको एक लड़की हो गई। एक दिन की बात है, वो हसीना उस बच्ची को लेकर मेरे पास आई थी। चिकना भाई, हसीना बहन, इस बच्चे को संभालो, मैंने जहर खा लिया है। ये बच्चा बुल्ला भाई का है, उसे दे देना, बहुत मेहरबानी होगी। अरे बाप, मैं इसको बुल्ला तक पहुंचाऊंगा तो बुल्ला मेरा नल्ला ही काट डालेगा। लक्की चिकना, इस कचरे के माल को कचरे की पेटी में ही डाल दे। उस औरत के मरने के बाद अगर उस बच्चे को मैं बुल्ला भाई के पास लेके जाता तो मेरी बहन बजा देता, इसलिए मैंने अपनी जान छुड़ाने के लिए उस बच्ची को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। गरीब मासूम लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर गलत काम करवाता है। तू समाज का कलंक है, तुझ जैसे नरक को इस धरती पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं। भैया 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 भैया, वो लक्की चिकना गया, शंकर ने उसको लटकती खटिया पे लंबा कर दिया। क्या बोल रहा चुटिया? हाँ, और वो जो पोते है ना, पोते हाँ। जो अपने बाप के भी नहीं होते, वो भी शंकर के डर से भाग रहा है। भाग रहा है? कैसे भाग रहा है? साइकिल से भाग रहा होगा। अगर साइकिल ना मिली तो मारुति कार में बैठ कर भाग रहा होगा, अगर कार ना मिली तो पानी के जहाज में बैठ कर भाग रहा होगा। ओ, पानी के जहाज से भाग रहा है? देखो शंकर, किसी भी बहाने मेरी मौत बनकर यहां आ सकता है,
जब तक मेरा जहाज समुद्र में दूर तक ना पहुंचे तब तक इस पोर्ट के चप्पे चप्पे छान मारो, नजर रखो उस पर। आओ मेरे साथ। कहां रहा है पोते? मैं भाग नहीं रहा था शंकर, मैं तो ये सोचकर परदेश जा रहा था कि कहीं तू मेरे हाथों से मारा ना जाए। सच कहूं तो मुझे तुम पे बहुत तरस आता है शंकर। तरस आता है इसलिए उस दिन मेरे बाप की मौत का मजाक उड़ा रहा था, कफन के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था। अरे मेरे भयानक थोबड़े पर मत जाना शंकर, मैं तो उस नारियल की तरह हूं जो बाहर से कड़क होता है और अंदर से बहुत नरम। मुझे तो तुम जैसे गरीब लोगों से बहुत हमदर्दी है। हमदर्दी? तेरा नाम है पोते जो किसी के बाप के भी नहीं होते, और जो किसी के बाप के नहीं होते उसके सीने पर मौत की छाप लगाना जरूरी होता है। मुझे छोड़ दे। तुझे छोड़ दूं? तुझ जैसे हमदर्द को छोड़ दूं? हाँ? लहू की लहरों से खेलने वाले अब समंदर की लहरों से खेल। भी समंदर में दफन हो गया। भैया शंकर ने आज तक हमारे इतने आदमियों को कुत्तों की तरह मारा, और एक हम है उसका एक बाल भी उखाड़ नहीं सके। उखाड़ूंगा, उजाड़ूंगा, मिटा डालूंगा वो खूबसूरत दुनिया जो शंकर के दिल में बसती है। शंकर की बाजारू छेनाल, अब मैं चबाऊंगा तेरे ये गोरे गोरे गाल। अब तू देखेगी मेरे जुल्म का हल्ला जब मैं पहनाऊंगा तेरी नाक में अपनी हवस का छल्ला। तू आदमी नहीं है, तू है कुत्ते का पिल्ला। शंकर ने तुम्हारी हुकूमत के 3 खंबे उखाड़ कर फेंक दिए हैं। तुम लोगों की उतनी ही है जिंदगी जितनी देर रहता है पानी का बुलबुला। मैं बुलबुला नहीं, जलजला हूं, जलजला।
मेरा नाम है बुल्ला और जो भी करता हूं खुल्लम खुल्ला। तो फाड़ के रख दूंगा अगर कोई आगे बढ़ा यहीं पर गाड़ के रख दूंगा क्योंकि मेरा नाम है बुल्ला और रखता हूं हमेशा खुल्ला। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे इसे। नहीं भैया नहीं, पहले मैं इसको मारूंगा फिर आप इसको मारना। तू मारेगा इसे? हाँ भैया। तो फिर इतनी बुरी तरह से मारना ताकि इसकी चीखें सुनकर शंकर का कलेजा फट जाए। देख मुझे छोड़ दे वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे छिनाल खाएगी नाल शंकर की रखेल, हमको अंजाम सिखाएगी। आज मैं तेरे को ऐसा झटका दूंगा कि मरने के बाद भी तू धड़ से तड़पती रहेगी। ये देख मेरे कन्ने कितना लंबा चौड़ा चाकू है। भैया मैंने अच्छा काम किया ना? हाँ अच्छा किया तूने, जो हमने शंकर की दुनिया को उजाड़ दिया। है कोई और? गंगा, गंगा कौन थे बोला? कौन थे गंगा? शंकर आएगा और मेरे को जान से मार देगा वो इमा, इसलिए तो मैंने ये अर्थी तैयार रखी है, बिल्कुल मेरे साइज की है। मेरे को मरने के बाद इसी पे लेटना होगा। लेकिन मैं क्यों मरूं? हाँ मेरे से पहले मेरे वो राक्षस भाई बुल्ला को मरना चाहिए जिसने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दी। बचपन से लेकर आज तक मुझे गोलियां खिलाता रहा, सेक्स की गोलियां। वो इमा मुझे कितना खराब किया उसने। हाँ मरना तो उसको मरना चाहिए। हरामजादे ने 3 बार डेट फिक्स की शंकर को जान से मारने की, एक बार भी उसको जान से नहीं मार सका। शंकर आएगा और बुल्ला राक्षस को मार देगा। मैं काम करता हूं, मैं ऐसी जगह छुप जाता हूं जहां पर शंकर तो क्या उसका साया भी नहीं आ सकता। कहां छुपूं? हाँ बाथरूम में। भैया नहीं,
शंकर भैया नहीं, शंकर भैया मुझे माफ कर दे, शंकर नहीं। शंकर भैया, मेरा नाम है चुट्टिया और मैं जानता हूँ कि आज तो खड़ी करेगा मेरी खटिया। शंकर मुझे माफ कर दे, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो ना मरता। भैया ने मुझे गोलियां खिला खिला के मर्द बना दिया, इंसान से शैतान बना दिया मुझे। शंकर भैया मुझे माफ कर दे, मुझे तुम लोग माफी के लायक नहीं हो। नामर्द था ना तू? हाँ हाँ, आज तू नामर्द ही मरेगा। नहीं 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 नहीं, तेरे लिए क्या नहीं किया? तुझे मर्द बनाने के लिए मैंने लंदन से गोली मंगवाई, तुझे लड़कियां सप्लाई करके मैंने भरवागिरी की ताकि तू मर्द बने चुटिया। और तू मर्द बना, तू मर्द बना चुटिया। और मैं उस दिन कितना खुश था, बहुत खुश था चुटिया, खुश था ना? बोलना चुटिया, चुटिया बोलना, चुटिया बोल, मैं खुश था ना? अरे अभी तो तेरी ट्यूब में लाइट ही आया था और शंकर ने तेरा फ्यूज उड़ा दिया। तू क्यों चला गया चुटिया, तू क्यों चला गया चुटिया? तेरे साथ ये किया शंकर ने, तेरे साथ ये किया? अरे तू बहुत तड़पा होगा, तू बहुत तड़पा होगा। मेरा नाम है बुल्ला। शंकर, अब तेरे सीने में ठोकूंगा मैं मौत का किल्ला। बुल्ला, मैंने तेरे भाई चुटिया को मार डाला, अब अगर हिम्मत है तो काली मैदान में आ और अपनी मौत से आंख मिला। तूने जिसको मारा वो चुटिया था, बुल्ला नहीं। आ रहा हूं मैं, आऊंगा शंकर। मेरा नाम है बुल्ला, मैं रखता हूं हमेशा खुला। कसम खाकर आ गया है इंतकाम का ये अंगारा, बजाऊंगा आज तेरी मौत का नकारा।
तेरे माथे पर है मौत का सेहरा सजने वाला, फिर मेरी गुंडागर्दी का है डंका बजने वाला। देश के दुश्मन तेरा होगा मुंह काला, आज बुल्ला का जनाजा है उठने वाला। जनाजा, मेरा जनाजा उठने से पहले मैं तेरी अर्थी उठा दूंगा शंकर, क्योंकि मेरा नाम है बुल्ला और रखता हूं हमेशा खुल्ला।
रुक जाओ शंकर, नहीं तो मैं तेरी बेटी को मार डालूंगा। ये मेरी बेटी नहीं है बुल्ला, ये तेरे पापों का शिकार है हसीना की बेटी, तेरा खून। मेरा खून? मेरी हसीना का पसीना? अरे शंकर, मैं तो रोज हुस्न की पेटी खोलकर हवस की सीटी बजाता रहता हूं। अगर यूं मैं सबको अपनी बेटी कहने लगा ना, तो मैं सैकड़ों बेटियों का बाप हो जाऊंगा। तुझे इससे बहुत प्यार है ना, ले खेल इससे। तेरा नाम है बुल्ला, मौत के बाद भी तेरा मुंह रह जाएगा खुला।